Welcome to us testing Shark Tank products. Season 2 is here, so we also have to make episode 2 of our Shark Tank series. Mujhe viewer products try karna bahut acha lagta hai, especially because there's a takeaway so that you don't waste your money on anything if it doesn't make sense to you. So let's begin. Where do we start? First, we'll start with Winston. Unse maine liya hai hair scalp massager. Now, unki pitch interesting thi ki, you know, salon jaane ka sabko time nahi milta hai, but I felt like Winston na bahut hi tech jaisa naam hai, jaise SanDisk ki hard disk ya WD ki hard disk. So Winston gives me ekdam techie feel, so I think that the brand name could have been something better. Lekin products काफी interesting थे. उनके competitors मुझे लगता है they're like Philips, क्योंकि Philips भी बहुत home grooming like beauty grooming products बनाता है for using at home. और इसका Braun Beauty also I think is a good competitor for them. So let's see if their scalp massager is any good. उनके pitch में उन्होंने एक particular hair mask दिखाया था LED वाला, but I didn't personally want to try it. So I was like नहीं वो it's not for me. So I want to try something which is little bit more natural, not even the LED lights, and the scalp massager felt like it'll be like that. I don't think isme batteries hai. I think all that's important are these little protuberances on the front. It looks like this. Yahan pe branding hai. लोगो भी एकदम टेक जैसा लग रहा है ना. इट लुक्स लाइक समथिंग जो आपको कोई लैपटॉप या फोन पे मिलेगा. ग्रिप अच्छी है, यू हैव टू होल्ड इट लाइक दिस. और इसके जो टीथ है ना कोम के, दे आर डिफरेंटली साइज, सो देयर इज सिंगल वंस एंड देन देयर इज डबल वंस बीच बीच में. सो आगे स्कैल्प मसाजर लिखा है और पीछे शैम्पू ब्रश लिखा है. Interesting. Waterproof, yes. Compact and portable, yes. Drain out toxin. That I'm not sure how. Maybe shampoo ke saath hi karenge to hoga. Iski MRP hai 591, lekin hame mila hai ye 531 mein. Not like a big discount. I think 10% off keh sakte hain. But overall, I will give this 8 out of 10, क्योंकि मैंने एक और स्कैल्प मसाजर ट्राई किया है फ्रॉम टैंगल टीजर, विच इज़ माई फेवरेट कोम ब्रांड. वो कुछ 900 रुपीज़ का था एंड ये मुझे उससे ज़्यादा ड्यूरेबल लग रहा है सोफा. सो आई विल गिव दिस अ सॉलिड 8 आउट ऑफ 10, बिकॉज इसने एक बहुत ही फेमस यूके ब्रांड को टक्कर दे पाया है ये. नेक्स्ट अप वी हैव पाटिल काकी. आई थिंक इन्होंने पैकेजिंग और ब्रांडिंग पे नेल कर दिया, बिकॉज काकी especially I live in Mumbai which is in Maharashtra, तो इधर तो सब ऐसे ही होते हैं, काकू हरियाणा जरा रे काकी कशे आहत. तो इट्स अ वेरी अपनापन वाला नाम है इसका, बट आई फील लाइक द वेबसाइट कुड हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, बिकॉज उनके शार्क टैंक पिच देख के मुझे समझ आया. मैंने ना पहले अनबायस सब ऑर्डर्स प्लेस किए टू सी कि मुझे उनके वेबसाइट से वो मैसेज पास हो रहा है कि नहीं, एंड इनका जो मैसेज था कि जो ब्रांडेड स्नैक्स होते हैं उसमें बहुत प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, हाइजीनिकली मेड स्नैक्स देयर आरंट दैट मेनी प्रेजर्वेटिव्स, वो मुझे दिखा नहीं इतना वेबसाइट पर. लाइक दे हैडंट हाईलाइटेड इट इन बिग बोल्ड बैनर्स कि ओ वी आर नेचुरली मेड एंड वी डोंट हैव प्रेजर्वेटिव्स, इट्स हेल्दियर दैन अ स्टोर बॉट चिवड़ा. क्योंकि उनके वेबसाइट पर जाके मुझे बस स्नैक्स दिखे, मुझे ये नहीं समझ आया कि वाई इज देयर चिवड़ा बेटर दैन से गार्डन का चिवड़ा, क्योंकि गार्डन में भी तो पोहा चिवड़ा मिलता है ना. सो दैट आई थिंक इज वेयर वी कुड हैव इम्प्रूव. लेकिन इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है क्योंकि रीसीलेबल है, तो आपको क्लिप्स नहीं लगाने पड़ेंगे. टाइम फॉर द बेस्ट पार्ट, द टेस्ट टेस्ट. शार्क टैंक में जब भी कोई फूड आया होता है मुझे इतना ये फील होता है कि देयर सो लकी दे गेटिंग टू ट्राई ऑल दिस. वो लोग भी कितना एक्साइटेड हो जाते हैं पता है जब भी फूड प्रोडक्ट्स आते हैं, इवन द ओरिजिनल शार्क टैंक फॉरन वाला. इट स्मेल्स अमेजिंग. Oh my God, it has a proper fried coconut also, जो एक authentic महाराष्ट्र पोहा चिवड़ा में होना चाहिए. क्रंची क्वालिटी में डिफरेंस तो है, क्योंकि मैंने पोहा चिवड़ा बहुत खाया, मेरे घर पे बहुत चिवड़ा खाते ही वाला. एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि नॉर्मल जो स्नैक्स होते हैं उसकी शेल्फ लाइफ 6 months 12 months तो ईजिली होती है, इसकी शेल्फ लाइफ है 25 days. ये सिर्फ 25 days तक फ्रेश रहेगा, एडिबल रहेगा. सो दिस वॉज मैनुफैक्चर ऑन 3rd January एंड दिस कैन बी ईटन ओनली टिल 28th January विच इज टमोरो. So we're gonna have like a chivda party today. And the price point, oh my god. So Garden, which is a very famous snack company, uska chivda ka price for 400 grams comes roughly to 150 rupees, roughly. This is for 259 rupees. So this is almost double the price of regular snack company. So you've got to keep that into account. But personally, mujhe iski quality mein bhi utni difference lagi. So going forward, I definitely see myself as customer of Patil Kaki again. But we have one more product. भाजनी चक्री, एंड इसकी पैकेजिंग तो और प्यारी है. मतलब दिस इज अ वेरी नाइस गिफ्टिंग ऑप्शन अगर आप हैम्पर बना रहे हो दिवाली या कोई भी फेस्टिवल के लिए. सो यू कैन डेफिनेटली ऐड समथिंग लाइक दिस. दिस इज 339 रुपीज़
400 grams again. It's not written on the box, weirdly enough. And ये भी सिर्फ 45 days तक fresh रहेगा. There was a little discount on the website. ये 339 का 319 में आया था. Nice है, मतलब उन्होंने caricature भी बनाया, like branding is on point. Hygiene, I can see that. I love chakli so much. Oh my god, this is so good. उनका जो point था कि local vendors के snacks एकदम अच्छे से नहीं बनाए जाते, I was debating कि is that true? Because बचपन से मैंने local snacks खाया, किसने नहीं खाया? But जो local भाजनी चकरी आती है, वो बहुत soft होती है और काफी oily होती है. Like when you eat a chakri, your hands will always be oily. That's not happening with this, weirdly. Interesting. When I tell you I review एकदम in depth, I do, because chakri में मैंने manufacturing date देखी 20 Jan, which made me think कि मैंने order place कब किया था. I placed the order on 20 Jan itself, so chakri is fresh. But I got 3rd Jan का चिवड़ा, which like for 25 days, अगर आप मुझे 17 दिन पुराना ऑर्डर दे रहे हो, you giving me only 1 week to finish it, which I don't think is fair. So for the chakri, they're absolutely made on the same day, but the chivda was 17 days old. So I think कि for such a big quantity, that shouldn't be happening. That's just an observation. So keeping ये सब in mind, I will give this 9/10. Because that's like the only fault. The pricing is definitely steeper, लेकिन quality भी बहुत better है. So as a customer, I don't mind paying a higher price when I'm actually getting my money's worth. So 9/10 it is for Patil Kaki, and let's move on to the next brand. अभी इतना मस्त खाया, तो need some drink to go with it. And for that, we have T-Fit, which is the next Shark Tank company that we're gonna try. थोड़ा difficult था ढूँढना, लेकिन we did find one pack of six, जिसमें तीन अलग-अलग flavors थे. The first one is Tangy Toasty Barley Tea. फिर है Lemon Black Tea. And the last one is peach ginger green tea. This is the one I'm most excited for, because one of my team members loves peach tea. She all peach iced tea. She always has it, and I want to try a sugar-free version and get her review also if she thinks it's good. She also reviewed in the first Shark Tank video that whey ice cream. Alright, so talking about the pitch, pitch was amazing. Her two little sons were so cute. But the packaging, naam is also amazing. Tea Fit. It clearly communicates what the product is and how it is better compared to other teas. But the packaging, especially the drawings, matlab idhar bahut hi space I think is wasted. It could have been more highlighted that, you know, we're healthier, we're sugar free. And wo bas bahut chote space mein likha hai, no sugar and no calories. Which to a regular person who loves having peach iced tea or just any other tea in general, would have been a lot better. यहाँ पे drawings है of like a stick figure cycling and working out, but and then there's a lot of trees. Packaging थोड़ी सी मुझे kiddish लगी when the product is not for kids actually. No kid has like green tea or lemon black tea, so I think थोड़ा और बन सकता है इसका packaging adult like. So let's try the Jawar tea first. Tangy toasty Jawar tea. I don't know what to expect. No, I don't like this flavor. It has a weird cough syrupy taste. मतलब I know a lot of drinks end up tasting like cough syrup, लेकिन इसमें ना bitterness है, कड़वाहट है, और मुझे लग रहा है वो जवार के वजह से ही है, like barley के वजह से ही है. And toasty jawar, oh my god, it actually tastes like, I do have some toasted jawar in my kitchen, which is like a nice snack, but it tastes exactly like that snack, yeah. But this is meant for glow, 15 super herbs for immunity, skin and hair health. So if you're looking to have it for that benefit, yes. Iska competitor I think is Auric. Auric ke maine drinks try kiye the bahut saalon pehle, and they have similar names. One is for skin immunity, one is for cleansing, one is for hair health. So ye thoda wo aspect mein laga mujhe. Next is Bounce, which is lemon black tea. This is for immunity and energy boost. I like lemon black tea. Yeah, this is nice. But clearly pata chal raha hai ki sugar nahi hai. A lot of sugar free drinks have stevia or something else, जिसमें थोड़ी सी स्वीटनेस होती है. इसमें बिल्कुल स्वीटनेस नहीं लग रही मुझे. इनफैक्ट मुझे स्वीटनेस चाहिए होती है. सो दिस फ्लेवर इज 5/10. एंड लास्टली वी हैव लीन, व्हिच इज फॉर इम्यूनिटी एंड मेटाबॉलिज्म, द पीच जिंजर ग्रीन टी. दिस इज गुड. दिस इज द बेस्ट आउट ऑफ दीज थ्री. बट शुगर की कमी तो बहुत क्लियरली फील हो रही है, और जिंजर का सरप्राइजिंगली इतना टेस्ट नहीं आ रहा है. मैंने सोचा था कि गर्म और ठंडे को कंपेयर करूंगी, इफ ठंडा टेस्ट गुड, बट पर्सनली तीनों का टेस्ट मुझे पसंद नहीं आया. बट इफ़ यू लाइक शुगर फ्री ड्रिंक्स इन जनरल, देन यू माइट लाइक इट. लाइक अगर आपको चाय में भी शुगर नहीं चाहिए होती, या इफ़ यू डोंट लाइक स्वीट थिंग्स, तो आपको ये पसंद आएगा. लेट्स सी व्हाट तृष्णा हैज़ टू थिंक. रेगुलर पीच आइस टी ड्रिंकर डिड नॉट लाइक इट. सो द टेक्सचर यू थिंक इज मोर वाटरी. अच्छा, कंपेयर टू नॉर्मल आइस टी ये बहुत
strong flavor. Okay. And sugar ki kami is very evident. How much would you rate it? Just on the basis of taste, not on the health benefits. 5 on 10. 5 on 10, I think she's being gracious because her face says otherwise. So 6 of these rings were for 620 rupees, which makes one ring for roughly 100 rupees. So health benefits, ye pure series mein bahut hai. There's no calories. It's of course vegan, gluten-free, non-GMO. There are some preservatives. Ingredient list mein wo hai. Personally, this product is not for someone like me. I'm excited to see what they come up with next. But this particular tea fit range, these three flavors, I'll give 4 on 10. Kyunki I think I've had better tasting drinks giving similar health benefits in the market. On to a fun clothing brand, which is House of Chikankari. You know, so I think they did a great job ki Shark Tank mein aane ke pehle se hi mujhe inka naam pata tha, because I think they have done Instagram marketing boosting, and their bag is also so cute. It's a proper Lucknowi drawstring bag, which is totally reusable. And in here we have our product. Can you guess maine kya liya rahega unse? Oh, talking about their pitch, mujhe ye dekhna tha again, kyunki inke bhi website pe seedha clothes the. Could not understand why are they different from a regular chikankari kurta I have otherwise, and nahi likha tha unke website pe ki kya hatke, bas bahut sare kapde the, and majorly they were kurtas and sets only, so I did not even see like out of the world designs. Then when I saw the episode, I saw ki what they're trying to say is ki regulated nahi hai market, which I 100% agree with. Maine jitni bhi baar chikankari kurte liye, kabhi mujhe same material nahi mila hai. Kisi ka color bahut bleed hua hai to koi fat gaya jaldi se, because the fabric wasn't good enough. And isliye they are trying to be like completely transparent with it, and like having, they've employed more than 5,000 people, which is insane, and they're using good quality fabrics and materials. So me being me, mujhe sabse hatke clothing item lena tha, and I picked a chikankari jacket, which I have been wanting since forever. Jitni bhi maar main exhibitions gayi hu mamma ke saath, and I have seen like a angrakha style kurta. Maine har baar pucha hai ki acha ye pura khulega kya, and then when they say no, it's only like for the show, I'll be like फिर तो क्या, आई वॉन्टेड लाइक अ जैकेट स्टाइल, एंड आई फाइनली फाउंड इट हियर. ये सेल सेक्शन से था. इट्स अ ब्यूटिफुल पर्पल लॉन्ग लाइन जैकेट विच हैज़ पर्पल एम्ब्रॉयडरी ही ऑल ओवर, एंड एक ही साइज बची थी एक्स्ट्रा स्मॉल, था लेके देख लेते क्योंकि चिकनकारी सामान थोड़ा सा बड़ा ही होता है जनरली, तो आई थॉट कि शायद फिट आ जाएगा. आ गया, इट फिट्स. Oh my god, do you see this fit? It literally fit perfectly. You know, normally I wear a size medium for western clothing. Ye top jo maine pehna hai wo medium size ka hi hai. So I think it should be mentioned clearly ki you know, you can buy 2 sizes smaller compared to your general size for it to fit you perfectly, cuz this extra small is fitting me ekdam nice. Fabric mein thandak feel ho rahi hai, definitely pata chal raha hai ki achhi quality ka hai, and I paid 1920 for it, roughly 920-925. Let me check the tag ki how much is it priced otherwise. MRP mil nahi rahi hai, lekin roughly the price range is around 4,000 to 5,000, to premium segment mein hi hai. So sustainable category mein aap gin sakte ho unko, because they've clearly mentioned how they're making things, and I think it's beautiful. So this can be counted as an Indian homegrown sustainable brand. I will give this 10 on 10 because I don't have anything to fault. I know you might be thinking ki are chikankari kurti to 500 ki bhi mil jati hai, 1000 ki bhi mil jati hai, to hum kyun kharche 4,000-5,000 rupees. That is because you're supporting something which is so beautiful, because its materials are good. So many people are being employed, and it isn't fast fashion. It's not a sweatshop. Sweatshop matlab jahan pe chote bachcho ko bithaya jata hai who are underage, and they're paid like 1 rupee per hour. So what is the point of giving somebody else trouble just so that we can get it in affordable range? So I know jab budget nahi hota tab ye sab ki matlab nahi, but when you start earning, when you get stable, you can consider investing into brands like these, and I loved it. It's a beautiful brand. Next up, we're gonna try Ghar soaps, which is like a fun mix of modern, I don't want to say chemicals, but things like niacinamide, retinol, all of that, and Ayurveda, jo hum ghar ke nuske karte hai na, uska ek blend hai. So let's see how that performs. This is what the packaging looks like. Bahut hi cute hai. Inse maine liya forever eye mask. Usme aisa likha tha ki you can reuse it multiple number of times, and normally jo maine gel wale dekhe na, wo one time use hai, and they are quite expensive. This was for 999 rupees, and
दिस इज द पैकेजिंग इंस्ट्रक्शंस मैंने जस्ट अभी पीछे पढ़े तो उसमें ना स्टार्टिंग पूरा वन पैराग्राफ ऐसे था कि द प्रोडक्ट हैज टू बी अप्लाइड इवनली वेयर द आई पैच इज गोना बी एंड लास्ट लाइन में लिखा था कि बिफोर नेक्स्ट यूज मेक श्योर टू फ्रीज इट तो लाइक मतलब फर्स्ट यूज में भी तो फ्रिज में रखना पड़ेगा तो मैं जस्ट अभी रख के आई हूं व्हाइल इट कूल्स लेट अस रिव्यू द नेक्स्ट ब्रांड व्हिच इज गिरगिट बट गिरगिट की पिच बहुत इंटरेस्टिंग थी क्योंकि नाइकी के एक पर्टिकुलर जूते आते हैं वो चेंजेस कलर व्हेन यू स्टेप इन द सनलाइट आई हैव बीन आईइंग दोस शूज सिंस मोर देन अ ईयर एंड मैं कब से ढूंढ रही थी कि इंडिया में कब आएंगे बिकॉज ऑल दीज एयर जॉर्डन आल्सो गेट सोल्ड आउट लाइक दिस बट नाउ आई एम गोइंग टू लंदन मैंने वहां पे ढूंढ के रखे कि दिस पर्टिकुलर वेबसाइट विच विल शिप इट देयर सो व्हेन आई सॉ दैट दे हैव अ सिमिलर टेक्नोलॉजी आई वाज लाइक लेट्स सी इफ इट्स एनी गुड सो बिकॉज शूज इज समथिंग दैट्स डन बिफोर एंड दे वर नॉट वेरी वेरी चीप नाइकी वाले शूज आई एम गेटिंग फॉर अराउंड 8,000 एंड दीज आर फॉर अराउंड 3,000 सो दे आर 60% लेसर देन नाइकी बट आई थॉट लेट्स ट्राई समथिंग एल्स तो हमने ऑर्डर किया ये आई वॉच स्ट्रैप and it is supposed to become this beautiful magenta color in sun and otherwise it's going to be white when you're indoors but what happened is Yeah, the packaging isn't the best. मतलब डब्बा भी पूरा स्क्विश होके आया था आई हैड ऑर्डर्ड अ 42 to 44 mm का स्ट्रैप बिकॉज माई वॉच विच जस्ट फेल माई वॉच इज 44 mm बट मुझे 38 या 40 mm वाला स्ट्रैप आया है द डाउन साइड इज की पूरे डब्बे पे कहीं भी साइजेस मेंशन नहीं है सो आई वाज वंडरिंग कि द प्रोडक्शन आल्सो हाउ आर दे क्रॉस चेकिंग कि कौन सा शिप आउट हो रहा है मैंने एक बार लगा के देखा बिकॉज दिस वॉज वन प्रोडक्ट जो मैं नहीं कंट्रोल कर पाई एंड इट डिड नॉट फिट प्रॉपरली ऑन माई वॉच हाउ एवर मैंने सन वाला अभी तक टेस्ट नहीं किया सो दैट वी गोना ट्राई आउट टुगेदर वी गो अभी ना एकदम तेज धूप तो नहीं है तो लेट्स सी कि इतनी धूप में भी ये वर्क करता है कि नहीं आई कैन सी थोड़ा बहुत इट इज टर्निंग पिंक हाउ लुक एट दिस That's so cool. Literally अंदर आते से within 10 seconds it turned back to white. So इसका color changing speed ना बहुत fast है. Now that this is all nice and cold, let's dive into what I think about the brand. I think same problem with the website यार. Website पे मुझे नहीं clearly दिख रहा था कि oh this is a blend of modern skincare and Ayurvedic skincare. It was just products listed immediately. I think brand story जानना बहुत fun होता है. That was missing. Secondly the name. It is Ghar Soaps. So soaps literally made me imagine a bar of soap. It didn't make me feel like, oh, there can be an entire range of skincare, especially something like this. So if there was a way to, you know, find out ki there's more to it, that would have been nicer. Now let's test the actual product. Iske liye I'm using Innisfree ka Pomegranate Revitalizing Eye Essence right under my eyes. This only feels so good. I can't wait to see ki patches ke baad kitna achha lagega. Oh, wow. Ooh. इसका टेक्सचर बड़ा इंटरेस्टिंग है सिलिकॉन जैसा फील है इसका आई वंडर कि ये ऐसे हाँ ऐसे ही होता होगा ना वाओ डूड इट्स स्टक इसके पहले जो मैंने यूज़ किया था ना वो स्लाइड होते रहता था पूरा टाइम मुझे ना लग रहा है कि मैंने थोड़ा गलत शायद लगाया होगा तो आई जस्ट क्विकली गूगल कि ये जो मोटा पार्ट है वो अंदर की साइड आना चाहिए बाहर की साइड और मेरा लॉजिक है कि यहाँ डार्क सर्कल ज़्यादा होता है सो इट शुड कम इनसाइड बट लेट्स जस्ट चेक हाँ मैंने गलत लगाया है नहीं गलत नहीं लगाया है अब दोनों साइड पे देयर आर इमेजेस यार नायका पे ऐसा भी है और फ्लिपकार्ट पे उल्टा है सो आई डोंट नो वी जस्ट गो विद व्हाट आई हैव नेचुरली डन बट यू नो व्हाट ये ठंडा नहीं रहा मुझे इसको फ्रिज से निकाल के लिटरली सिर्फ एक मिनट हुआ बिकॉज मैं वहां से यहाँ लेके आई एंड वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग और उतने टाइम में ये गर्म हो गया सो वो जो जेल वाला आई पैच आता है ना अमेजोन पे जो मिलता है इवन मिनीसो में मिलता है जिसको अपन ठंडा करके आग पे रखते हैं सो इट फील्स रिलैक्सिंग ये ठंडा नहीं रहता है वैसे इट इज जस्ट रूम टेम्परेचर राइट नाउ एंड इट एक्चुअली फील्स वार्म आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये मुझे हेल्प क्या कर रहा है क्योंकि मैं प्रोडक्ट तो लगा चुकी हूँ तो डज दिस हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द product better and how that is something jo long term mein dekhna padega from my this one time use I will rate this 6.5/10 kyunki abhi bhi bahut unclarity hai ek baar mein to result koi bhi eye patch ka chalo itna nahi dikhta hai lekin isme to ye thanda bhi nahi reh raha hai and it doesn't come with anything to go with it ki acha this is going to help you with something it is totally dependent on what product we are using in my case it was this
सो आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग अगर वो लोग खुद का भी ऐसे सीरम या कोई क्रीम लॉन्च करें एंड इफ दे हैव लाइक डिफरेंट ऑप्शंस टू गो विद इट आई थिंक और डेफिनेटली इस ब्रांड से ट्राई कर सकते हैं बिकॉज इट्स डेफिनेटली यूनिक टू मिक्स लाइक नाइसिनमाइड एंड ऑल विद आवर आयुर्वेदिक सो जस्ट ट्राइंग आउट ऑल दी शार्क टैंक ब्रांड्स एंड आई होप कि आपको हेल्प हुई ऑफ व्हाट इज वर्थ इन्वेस्टिंग इन योर मनी एंड व्हाट इज नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग एज ऑफ नाउ मे बी दे कम अप विद सम एक्साइटिंग लॉन्चेस इन द फ्यूचर व्हिच कैन बी बट आज मुझे फील हो रहा है कि मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ बिकॉज मुझे ना थोड़ी धक हो रही है ऐसे क्योंकि मैं कभी घर से दूर इतने सारे दिन के लिए नहीं गई एंड इन जस्ट टू डेज आज फ्राइडे है मंडे सुबह की मेरी फ्लाइट है एंड बाय द टाइम यू सी दिस वीडियो आई नो कि हिमानी को मैं मिल चुकी रहूँगी बट बहुत नर्वसनेस फील हो रही है यार कि हाउ इज इट गोइंग टू बी कैसे सब आई एम गोइंग ओनली बिकॉज हिमानी इज देयर बेसिकली सो या इसलिए मैं थोड़ी फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी नर्वस या एंक्शियस हूँ अभी बट इट्स ऑल गोइंग टू बी गुड सो इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो देन डू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोस इफ यू डिड नॉट एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो बिंदास गिव इट अ थम्स डाउन आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी वेरी सून अंटिल देन गुड बाय